पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते अब मैदानी इलाकों में भी ठंड देखने को मिल रही है। वह उत्तरी भारत के बहुत से इलाकों में धुंध पड़ने लगी है। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में बढ़ती सर्दी को देखते हुए चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग के वैज्ञानिक मदन लाल खीचड़ ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी क्षेत्र में हवाएं चलने के कारण वातावरण में नमी अधिक होने से आने वाले दिनों में धुंध देखने को मिलेगी, जिससे 9 दिसंबर से तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 11 व 12 दिसंबर को हरियाणा के सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फतेहाबाद में बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक के अनुसार धुंध की वजह से गेहूं की फसल को लाभ मिलेगा, इससे फसलों में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लगभग 11 दिसंबर को आने की संभावना है, उसका इफेक्ट शायद हरियाणा में देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है। जैसे अभी डेटा देखा है उसमें 11 की देर रात्रि या 12 दिसंबर को अपने हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में, पश्चिमी क्षेत्र सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और इन क्षेत्रों में अपने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ कुछ बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं 12 दिसंबर को 11 की देर रात्रि के बाद में। परंतु उसमें कुछ उत्तरी हरियाणा में भी बारिश के आसार हैं, तो उसमें तेज हवाएं चल सकती हैं, पूर्वी हवाएं चलने की संभावना, जिससे बारिश के आसार बढ़ेंगे।